20 आदमी से हमारी जान 2 सालों से है। और जब आपका कोई पर्सनल ट्रेनर होता है, पर्सनल टीचर होता है, पर्सनल ड्राइवर होता है, तो धीरे धीरे लंबा समय के साथ आपके साथ एक फैमिलियर रिलेशन हो जाता है। अगर कोई लड़की किसी से अच्छे से बात करती है तो कोई समझेगा कि नहीं वो इज्जत दे रहा है, कोई समझेगा कि वो लव करने लगा। किसी को घर में नौकर रखे हुए हैं और उसकी मंशा क्या है, कल को आपका लूटने आया है कि आपका मर्डर करने आया है, कैसे जानेंगे? जिसने गोली चलवाई है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस जल्द से जल्द इस पर काम करे। शनिवार के दिन पटना में जिम ट्रेनर के ऊपर जिस तरह से फायरिंग हुई और उस मामले में डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह का नाम सामने आया और उनके ऊपर शिकायत भी दर्ज की गई। हमारे साथ खुद डॉक्टर राजीव जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पहली बार फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पर राजीव जी, अब तक तरह तरह की बातें आ रही हैं, पक्ष आपका सीधे आपने देखा, थोड़ी देर पहले हमने देखा आपने फेसबुक पे लिखा अपने अकाउंट पे कि क्या बातें हैं क्या नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? क्योंकि विक्रम जो हैं वो आप लोगों के ट्रेनर है, जिम ट्रेनर, और अब वही आरोप लगा रहे हैं कि फायरिंग आप लोगों ने करवाई। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोगों का दूर दूर तक, जैसे बोलेंगे ना, कहीं कोई हाथ नहीं है इस चीज़ों में। रही बात आरोप प्रत्यारोप का, तो ये सबका अपना मौलिक अधिकार है, कोई किसी पर प्रत्यारोप लगा सकता है, तो वो काम हमारा न्यायालय का है, पुलिस का है कि वो कौन राइट पर्सन है जो इस तरह का घटना का अंजाम दिया। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी बिहार की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और उस निर्णय को, उस नतीजे पे जरूर आएगी। पहले दिन जब शनिवार को घटना हुई तो आप लोगों को काफ़ी लंबे वक्त तक पुलिस ने इंटरोगेट किया, बैठा करके रखा, रात तकरीबन 9-10 बजे आप लोग छूटे, तो पुलिस ने आपको जब छोड़ा तो क्या, कौन सी बात कही? क्योंकि देखिए, एक घायल व्यक्ति जो आईसीयू में जिसका इलाज हो रहा है, आप खुद इस प्रोफेशन से हैं, अगर वो आरोप लगाता है तो कानून में उसका एक अपना महत्व है, और पुलिस ने अगर आप लोगों को छोड़ा तो क्या कह के छोड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊँ कि ये छोड़ा वाला शब्द जो है वो नहीं सूट करता है यहाँ पे। अगर आप पे भी अगर कोई आरोप लगाता है, कुछ करता है, तो पुलिस का पहला काम होता है कि पहले वो जो आरोपी हैं उनको बुला के पूछताछ करना। अगर आरोप साबित होता है किसी कारण से तो फिर आप मुजरिम होते हैं। पुलिस ने आपको जाने दिया पुलिस ने के बाद? हाँ, पुलिस का अपना जो रूल है, जो जिस हिसाब से उसको काम करना है, जो क्वेश्चन से अराइज करना है, उन्होंने सारी क्वेश्चन अराइज की और उसके बाद उन्हें जो लगा हो, जिस कारण से हमें बोला कि नहीं ठीक है आप जाइए, अपने बॉन्ड के साथ हम लोग आ गए। बस एक वीडियो भी सामने आया है विक्रम का, आज ही हमने देखा, उसमें वो कह रहा है कि आप लोगों ने इस तरह की साजिश रची। एक ऑडियो भी वायरल हुआ जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से है, हमने भी, हालांकि फर्स्ट बिहार उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हमने भी वो ऑडियो चलाया, वायरल ऑडियो था इसलिए चलाया, और वायरल ऑडियो में जिस तरह की बहस हो रही है उसमें आपकी भी आवाज़ संभवतः है, आपकी पत्नी की आवाज़ है, दोनों तरफ से जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये बात कहाँ इतनी बढ़ गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मैंने बोला आपसे और बहुत सारे और चैनलों से मेरी बात हुई, जिसमें मैंने बताया है कि इन लोगों से जान, मतलब इस आदमी से हमारी जान 2 सालों से है। और जब आपका कोई पर्सनल ट्रेनर होता है, पर्सनल टीचर होता है, पर्सनल ड्राइवर होता है, तो धीरे धीरे लंबा समय के साथ आपके साथ एक फैमिलियर रिलेशन हो जाता है, घरेलू रिलेशन हो जाता है। अब आप किसी को घर में नौकर रखे हुए हैं और उसकी मंशा क्या है, कल को आपका लूटने आया है कि आपका मर्डर करने आया है, कैसे जानेंगे? ये फाइंडिंग करना हम नहीं कर सकते हैं, हम उतने इंटेलिजेंट नहीं इस मामले में कि हम किसी की नज़रों में घुस के देखें कि उसका क्या है, वो क्या करना चाहता है, किस एंगल से आया, उसका स्क्रिप्ट क्या है, आने वाले टाइम में वो क्या क्या चीज़ें रख सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर हमें नहीं जाना है। अभी हमारा यही काम है कि जिसने गोली चलवाई है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस जल्द से जल्द इस पर काम करे, जिससे कि हम लोगों की जो छवि ख़राब हुई, चाहे आप लोगों के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से, लोगों को लगा कि नहीं भाई ये लोग मुजरिम हैं, ये लोग कातिल हैं, तो बस हम लोग चाहते हैं कि इसमें जितना जल्द हो निर्णय मिले। आपको कोई कातिल तो डिक्लेयर नहीं कर सकता जब तक कानून आपको किसी मामले में आरोपी सिद्ध नहीं करे, ये सबको पता है, लेकिन हाँ, जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर आपकी बात या आपका पक्ष जो है वो आना भी जरूरी है। पटना पुलिस ये कह रही है कि आपके परिवार से, मतलब आपकी पत्नी से, और जो बातचीत हुई, आपने खुद भी पोस्ट में लिखा कि 1100 दफ़े कॉल हुए, ये बात थोड़ी असामान्य नहीं दिखती आपको? आपने कहा कि ये किसी का करेक्टर इससे डिसाइड नहीं किया जा सकता, उसका सर्टिफिकेट नहीं हो सकता, हम भी मानते नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि 1100 दफ़े कॉल हो जाता है? देखिए, 1100 दफ़े वो कॉल हो रहा है जिस दौरान आप ट्रेनिंग ले रहे होते, लॉकडाउन रहता है, लॉकडाउन में आदमी मिलता जुलता कम है किसी से। अभी आपने भी देखा, सारा चीज़ें जो होती थी ऑनलाइन होती थी, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन थी बातें, तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता। और जब आप किसी के घर के मेंबर हो जाते हैं, फैमिली मेंबर हो जाते हैं, आपको एक रिस्पेक्ट मिलता है, आपको इज्जत मिलता है, आपको खाना मिलता है, जैसे जो एक हम लोगों का हिंदू समाज जो कहता है
कि इसमें लोगों को कैसे रखना चाहिए, एक ऐसी फैमिली जिसमें आप आते हो, जिसमें आपको प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें मिलती है। अब उस चीज़ों को आप किस एंगल में ले लगा, अगर कोई लड़की किसी से अच्छे से बात करती है तो कोई समझेगा कि नहीं वो इज्जत दे रहा है, कोई समझेगा कि वो लव करने लगा, तो ये आपकी सोच है, ये हमारी सोच नहीं है कि आप उस चीज़ को क्या लेते हो। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई कि विक्रम किस तरह से सोच रहा है। अगर मान लीजिए विक्रम ही अगर गिल्टी है इस मामले में, जैसा आप अगर बता रहे हैं, तो आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि थोड़ी दूरी मेंटेन करनी चाहिए, या ये बात इतनी बढ़ती ही नहीं, क्योंकि जो ऑडियो वायरल हुआ फोन कॉल वाला, उसमें सीधे तौर पे आप लोग की भी आवाज सुनने में आ रही है कि हम 2 मिनट में खत्म करवा देंगे, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आक्रोश में ये बातें आ सकती हैं, लेकिन ये परिस्थिति ही क्यों आ गई? देखिए, परिस्थिति आने के पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो पैसा का लेन देन था, जब वो पैसा लिया था, वो मैडम से पैसा लिया था एडवांस, जब हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी जिम वाली, तो पैसा लिया था, उसके बाद वो चला गया था। पैसा जब चला गया, आप रेगुलर अपना काम कर रहे, जैसे आपका टीचर है, कोई नहीं आ रहा है तो आप उसको फ़ोन करोगे ना, और जब वो फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, फिर आदमी को समझ में नहीं आता। आप चार लोग हमारे घर में हैं, चारों लोगों का आपका इंगेजमेंट है, चारों लोगों का अलग अलग आपका टाइमिंग है, चारों लोगों का, क्योंकि एक साथ में तो हर कोई काम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है, जब हम सुबह में 1 घंटा ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हो सकता है हमारे बच्चे सोए हों, हो सकता है मैडम घर में खाना बना रही हों, तो एक साथ चारों लोग तो एक ही चीज़, क्योंकि हमारा शरीर अलग है, हमारा उम्र अलग है, बच्चों का, तो सबका अलग अलग सारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें यही चीज़ें हुई कि अलग अलग बार फ़ोन होना, अलग अलग बार ये सारी चीज़ें। तो कहने का मेरा मतलब है कि फ़ोन से, और रही बात जहाँ तक कैरेक्टर उछाल देना, तो यार आज के टाइम में अगर कोई किसी से अच्छा बात कर लेता है, जब आपके घर में किसी का आना जाना है, हो सकता है कोई भी बात, हो सकता है हमारा ही कभी किसी से झगड़ा हो रहा हो, या घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो, तो अपने जो क्लोज लोग होते हैं उनसे बहुत सी बात आप शेयर करते हैं, बातें करते हैं कि देखिए ना ऐसा ऐसा हो गया मेरे हस्बैंड को, तो ऐसा ऐसा हो गया, या मेरी मम्मी को ऐसे ऐसे हो गया, या कोई बीमार पड़ गया। उस दौरान मुझे कोविड भी हुआ था, कोविड में मैं इतना सीरियस हो गया था, मेरे पास पूरा प्रूफ है, पूरा पटना, पूरा मतलब बिहार जानता है कि मेरा स्कोर जो कोविड का था वो लगभग 14-15 था, मेरे को मतलब लगा कि वेंटिलेटर पर जाना पड़ेगा। तो उस वक्त किसको आप पकड़िएगा, जो आपके बहुत करीबी लोग होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, शुभचिंतक होंगे कि भाई नहीं हमारा मदद करो, उस दौरान क्या स्थिति है, कैसा है, क्या है, बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, उसके बाद कोई केयर करता है तो हो सकता है लगे कि नहीं वो भाई हमारा बहुत केयर है, तो कुछ इमोशनल बातें भी हो सकती है, फ्रेंडशिप वाली बातें भी हो सकती है। तो इस चीज़ों को गलत अंदाज नहीं लेना चाहिए, और जो वो स्टेटमेंट दिया जा रहा है बार बार कि ये था मेरे पीछे पड़ी थी, मेरा ये किया था, तो एक चीज़ आप समझिएगा, अगर कोई किसी से इमोशनल होता है, कोई किसी से दोस्ती भी होता है, तो कभी भी वो अपने फ्रेंड की कभी भी बुराई नहीं करेगा। इस चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हमारी पुलिस इस चीज़ निर्णय पर पहुँचेगी कि इसमें ऐसा ऐसा घटना हुआ। आपने अभी कुछ देर पहले जो फेसबुक पर अपना पोस्ट लिखा, उसमें भी आपने लिखा कि कोई साजिश हो रही है, कौन सी साजिश, कुछ बता सकते हैं आप? साजिश में यही हो सकता है कि आपका जो मतलब स्थिति है, आप जिस रफ्तार से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हर हमेशा एंटी लोग होते ही हैं। अगर आपके पास 100 आदमी है, तो कोई ज़रूरी नहीं 100 आदमी आपके सपोर्ट में ही होगा, बहुत लोगों की जलन होगी, बहुत लोग कुछ और भी चाहेंगे, तो ये सब चीज़ से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बस यही मनसा है कि मेरे लिए मतलब जो भी हमारे पे आरोप लगे हो, जल्द से जल्द ये हो कि हम लोगों ने कुछ नहीं करा है, सामने सबके आए और हम लोग निश्चिंत रहे, क्योंकि इस प्रेशर से हमारी पत्नी को बहुत मेंटल हरासमेंट हुआ है, बहुत परेशान है इस चीज़ों को देख के, उसकी ये स्थिति हो गई है कि लग रहा है कि हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। हम लोग बहुत बुरे अभी स्थिति में हैं, लेकिन जो जो गलत इंजाम मीडिया के द्वारा लगा है, मैं इसका बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था इन लोगों। सवाल ये भी है और चर्चा ये भी है राजीव जी कि आप जेडीयू से जुड़े हुए हैं, पार्टी ने आपको भले ही उपाध्यक्ष पद से हटा दिया चिकित्सा प्रकोष्ठ के, लेकिन आपने अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया, और जिसकी वजह से अब पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस आपको कहीं ना कहीं इस मामले में क्लीन चिट देने की दिशा में है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम पार्टी से हैं, और हम लोग का पार्टी में हम बीइंग ए डॉक्टर हैं, हम कोई वैसा नहीं है कि हमें मतलब वहाँ पे इलेक्शन लड़ना है या इस तरह की लड़ना है। और रही बात जहाँ तक सपोर्ट की, तो कोई भी हमें वैसा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना पार्टी कर रही है, ना कोई, हाँ हमारे जो शुभचिंतक है, अगर पार्टी हमको सपोर्ट करती तो पार्टी मुझे निकालती क्यों, इस चीज़ को समझने वाली बात है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं आईवॉस के लिए आपको निकाल दिया। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं है, उनको लगा कि भाई मैं, उनको लगा कि नहीं हम गलत हो सकते हैं, तो उन्होंने निकाला, और अभी आज हमारे साथ कोई नहीं है, बस हमारे साथ सिर्फ भगवान है, जिस पे हमें और हमारी
बिहार पुलिस है, जिसमें मैं पूरा भरोसा करता हूं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करेगी और इस नतीजे पे पहुंचेगी कि किसने इस तरह का गंदा घटना का अंजाम दिया। राजू जी, अपने सफाई में या अपने पक्ष के तौर पे आपको और कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं फर्स्ट बिहार पे, क्योंकि लंबे अरसे से ये बात हो रही थी, हम लोग भी कवर कर रहे हैं इस खबर को, आप कभी सामने नहीं आए थे, आपने जो सोशल मीडिया पे लिखा वही खबरें आईं, अगर और कुछ कहना चाहते हैं तो फर्स्ट बिहार पे। देखिए, कहना तो हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस यही आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि अगर आप लोग राइट मीडिया के लोग हैं और राइट खबर लिखते हैं तो हमेशा कभी लिखने से पहले दोनों पक्ष को जानिए तब लिखिए। कल का कोई आप पे भी, आपके मीडिया चैनल पे भी आरोप लगा सकता है कि आपका मीडिया चलत गलत है, पैसे के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे आपके ऐसे लोग हैं जो कि हमारे हो सकते हैं एंटी हो, आपको दबाव में दे के ऐसी सारी चीज़ें करवा रहे हैं, तो क्या आप गलत हो जाएंगे? मुझे पता है कि आपका मीडिया इतना अच्छा बिहार में नाम कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, हो सकता है कल आपको भी कोई फंसाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर दे। तो ऐसे अब ये है कि हमारा समाज हमारे लिए क्या सोचता है, हम लोग आपके चैनल के लिए क्या सोचते हैं, तो ये डिपेंड करता है। इसी वजह से आप फर्स्ट बिहार पे हैं इस वक्त, अगर ऐसा होता तो हम आपका पक्ष नहीं चलाते, हम एक पक्षीय खबर चलाते हैं, लेकिन हमने हर बार आपको कांटेक्ट किया, पहले दिन भी आपके नंबर पे कई बार कॉल किए, आप अलग, आपने कॉल नहीं पिक किया वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के जो आपके लोग हैं, आपके जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने अपना वर्जन दिया, वो वर्जन भी चला। अब इस मामले में पुलिस की जो रफ्तार है जाँच की, ये आपको नहीं लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा आप भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि रफ्तार जांच की बहुत धीमी है, जब तक जांच होगी नहीं, अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप इस घटना के पीछे नहीं हैं, आपकी पत्नी नहीं है, तो जितना डिले होगा उतनी ज़्यादा परेशानी आपको भी होगी। देखिए, पुलिस का अपना इन्वेस्टिगेशन का रूल होता है, जैसे अब हम डॉक्टरी करते हैं तो हमें पता है कि कोई मरीज़ को कितना दिन लगेगा समय ठीक होने में, ये हम उनके बातों में कुछ मेरा शब्द नहीं हो सकता है, बिकॉज उनका अपना तरीका, अपने जांच की प्रक्रिया है। जहां तक लेट का और सही का, अगर मान सपोज अगर कोई क्रिमिनल मिलेगा नहीं तो किसी दूसरे को क्रिमिनल को तो क्रिमिनल नहीं बनाएंगे, किसी गलत आदमी को तो क्रिमिनल नहीं बनाएंगे, तो वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी जांच कर रहे हैं, हर जगह हम रोज़ न्यूज़ पढ़ रहे हैं, पेपर में आ रहा है, चैनलों में आ रहा है कि यहाँ छापेमारी हो रही है, वहाँ छापेमारी हो रही है, और सारे लोग लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इसका निर्णय हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत जल्द हो जाना चाहिए, एकदम हो जाना चाहिए, ये तो होगा ही, क्योंकि जब टीम काम कर रही है, इतनी टीम कर रही है, हमारे इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं इसमें, इस मुहिम में लगे हुए हैं काम करने के लिए, वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हो, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजीव कुमार सिंह, जो जिम ट्रेनर पर फायरिंग की घटना हुई उस मामले में लगातार चर्चा में है, और अब इन्होंने पहली बार अपना पक्ष जो है फर्स्ट बिहार के जरिए साझा किया है, हमने पहले भी इनसे बातचीत करने की कोशिश की थी लेकिन उस दौर में इन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। इनके जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे डॉक्टर सुनील कुमार, उनसे हमारी बातचीत हुई थी और वो खबर लगातार हमने दिखाई थी आपको। अब इन्होंने जब अपनी बात रखी है और इनको भरोसा है कि ये इस मामले में पाक साफ साबित हो जाएंगे, देखना होगा पटना पुलिस की जाँच की सुई आखिर किस तरह आगे बढ़ती है। सहयोगी कैमरा पर्सन शेखर घोष के साथ शशिभूषण, फर्स्ट बिहार न्यूज, पटना।